लेट मी, मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख के लाया था बेटे, लेट मी राइट दैट क्वेश्चन। न्यूमेरिकल है ये छोटा सा। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल्स पर मिनट, 60 जूल्स पर मिनट ऑन ए सिस्टम, ऑन ए सिस्टम दैट हैज 100 सेंटीमीटर्स एंड 1 मिनट, एंड 1 मिनट एज द बेस यूनिट्स। बेटा फिर से पुत्र ध्यान दो सारे बच्चे, क्या कहना चाहते हैं एग्जामिनर। इट इज सेड दैट बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल्स पर मिनट ऑन ए सिस्टम दैट हैज 100 ग्राम्स, 100 सेंटीमीटर्स एंड बेटे 1 मिनट एज द बेस यूनिट्स। बेटे अब थोड़ा सा बेटे इस फिजिकल क्वांटिटी पे कंसंट्रेट करिए। जिस फिजिकल क्वांटिटी की बेटे हम बात कर रहे हैं, इस फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप बच्चों देखोगे तो यू विल कम टू नो दैट बेटा आपका जो 60 जूल्स पर मिनट है ये बेटे आपको पावर इंडिकेट कर देता है। पावर बेटा मे बी मैकेनिकल पावर, मे बी इलेक्ट्रिकल पावर। लेट मी बेटा वंस अगेन हैव दिस सॉल्व फर्दर। 60 जूल्स पर मिनट है तो ये 60/60 जूल्स पर सेकंड आ जाएगा, ये आपके बेटे स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट्स आ जाएंगे और यू विल से दैट पावर आपका जो है दिस इज बेटे 1 वॉट। बेटा आपको बेसिकली उन्होंने पावर दिया हुआ है, पावर को डिफरेंट यूनिट्स में आपको दे दिया था, आपको आपने पावर को बेटा सिस्टमेटिक वे में अपने स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट्स में कन्वर्ट कर लिया अपनी कन्वीनियंस के लिए। अब हम इस पावर की वैल्यू इस सिस्टम के हिसाब से वर्कआउट करने वाले हैं बेटा। सो बेटे डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखो ध्यान से तो इस केस में आपका जो एन वन है दैट इज इक्वल टू 1, ये 1 वॉट आ रहा है। अच्छा बेटे बिफोर वी प्रोसीड विद दिस ऑल वी मस्ट बी नोइंग दैट व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ अवर पावर। बेटे पावर के यूनिट्स के बारे में अगर आप बात करो, पावर आपका वर्क डन अपॉन टाइम टेकन होता है, वर्क डन एम वन एल वन टी माइनस टू इंटू एल वन अपॉन टी वन हुआ करता है। सो इट विल बी एम वन एंड एल इट विल बी 2 एंड टी इट विल बी -3। बेटा ये आपके पावर के डायमेंशंस आ जाया करते हैं या आ जाएंगे बेटे। अब आप क्या करिए, यहां से ए बी और सी, ए आपका दिस इज इक्वल टू 1 और बी आपका दिस इज इक्वल टू डियर चिल्ड्रन 2, सी आपका दिस इज इक्वल टू -3। बेटे आपने ए बी सी निकाल लिया, एन वन आपको पता चल गया, एन टू आपने नए सिस्टम में निकालना है। एन टू विल बी इक्वल टू एन वन, एम वन अपॉन एम टू पावर ए, एल वन अपॉन एल टू पावर बी, टी वन अपॉन टी टू पावर सी। बेटे ये चीज बेटे हमारे पास है, हमारा बेसिक फॉर्मूला ही ये है रादर। तो आइए बेटे अब अपने नए सिस्टम के अकॉर्डिंगली इसको वर्कआउट कर लें। एन टू विल बी इक्वल टू 1, एम वन इस सिस्टम में आपका जो मास है इट इज इन किलोग्राम्स, और नए वाले सिस्टम में आपको देखिए 100 ग्राम दिया हुआ है, उन्होंने सिंपली 1 ग्राम नहीं दिया बेटा, दिस इज गिवन टू बी 100 ग्राम्स। तो आप यहाँ पे 1 की जगह पर 100 ग्राम लिखोगे। यही पॉइंट समझाने के लिए मैंने ये न्यूमेरिकल पिक किया है, नहीं तो मैंने नहीं करना था, राइट बेटा। बेटे ये पॉइंट आपको क्लियर करने के लिए ही मैंने ये न्यूमेरिकल चूज किया है, अदरवाइज हम कर चुके थे, मैंने नहीं करवाना था।
1 meter और नए सिस्टम में आपको देखो 100 सेंटीमीटर दे रखा है। ओके बेटा 100 सेंटीमीटर पावर बी आपका 2 है एंड इस सिस्टम में आपका 1 सेकेंड और नए सिस्टम में आपको 1 मिनट दिया हुआ है। यूनिट्स की यूनिफॉर्मिटी के लिए आप इसको 60 सेकेंड्स लिख लीजिए। दिस इज पावर -3 बेटा। नाउ लेट अस हैव द रीएडजस्टमेंट ऑफ द टर्म्स इन ऑर्डर टू कैलकुलेट। मैं थोड़ा सा टिल्ट कर देता हूँ इसको इस तरफ। सो वी विल बी हैविंग दैट अवर एन टू जो है दिस इज 1 किलोग्राम को आप बेटा 1000 ग्राम्स और डिनोमिनेटर में 100 ग्राम्स आपको दे रखे हैं। दिस इज पावर 1। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स एंड हेयर 100 सेंटीमीटर्स पावर 2 एंड दिस इज 1 सेकेंड अपॉन 60 सेकेंड्स पावर -3 बेटा। आइए रीएडजस्ट करें टर्म्स को। दिस इज बेटा देखिए 2 जीरोस कट गई, ग्राम कट गया, ये सारा ही कट गया, सेकेंड कट गया। 1 into 10 into 1 का square into 1 by 60 की power -3 it will be 1 into 10 into 1 into 60 into 60 into 60 बेटे चेक कर लीजिए। 216 1 2 3 4 0 7 में लगा दीजिए सो इट विल बी 2.16 10^1 2 3 4 5 6 10^6 इतना आपका N1 जो है बच्चों आपको मिल जाएगा। एक बार मुझे बता दीजिएगा सारे स्टूडेंट्स को समझ में आ गया तो मैं आगे चलूं फिर बेटा इसके साथ, फिर मैं इस कंसेप्ट को फिनिश कर देता हूं। दिया यस सर समझ आ गया? यस सर। ओके बेटा बाकी स्टूडेंट्स को ओके बेटे वेरी नाइस बहुत बढ़िया। आइए अब आपको मैं बेटा यस बेटा सर आपने ना कल होमवर्क में क्वेश्चन दिया था कि 72 किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, वो करवा दो। वो आपका पेंडिंग पड़ा है अभी हुआ नहीं? नो सर। 72 किलोमीटर पर आर को मीटर्स पर सेकंड में बेटी आपने कन्वर्ट करना था। मैं आपको हिंट देता हूँ जरा ध्यान से सुनिएगा। 72 किलोमीटर पर आर जो आपके हैं बेटा इसको आपने जब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। किलोमीटर पर आर आपका जो है ओल्ड सिस्टम बन गया, न्यू सिस्टम बन गया मीटर पर सेकंड। और आप देख लीजिए किलोमीटर और उस तरफ आपके मीटर्स हैं 1000 मीटर्स 1 किलोमीटर के बराबर हो जाएंगे और मास की इसमें वैसे इन्वॉल्वमेंट नहीं है, डायमेंशन ही नहीं आएगा इसका। सेकंड उधर आर्स हैं उधर सेकंड्स हैं, आर्स के सेकंड्स बनाकर पावर्स में एडजस्ट कर लो। सो इट विल बी 72 किलोमीटर पर आर है। L1T-1 आ जाएगा, A will be 1, C will be -1। सिंपल सब्स्टिट्यूशन ऑफ द वैल्यूज मैं एड में करवा देता हूँ, डोंट वरी बेटा। आइए एक प्रॉब्लम बेटे और आपको यहाँ पे डेफिनेटली करवाने वाला है। आप लोग सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ साथ बेटे जरूर कर लीजिएगा। आपको एक जो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशनशिप है उसको डिराइव करने को बोला गया है और ये रिलेशनशिप आपका जो आपको गिवन है दिस इज बेटे V दैट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए लिक्विड दिस इज इक्वल टू पाई पी आर 4/8 eta L। लेट मी राइट दिस, वी आर टू डिराइव इट विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। आइए बच्चों देखें डिराइव डायमेंशनली V इज इक्वल टू पाई पी आर 4/8 eta L। ईटा आपका कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी है, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी। इसमें देखिए प्रॉब्लम क्या है, राइट साइड पे आपको 4 वेरिएबल्स मिल रहे हैं, पी है, आर है, ईटा है, एल है, लेकिन आपके पास फंडामेंटल एम एल एंड टी तीन ही आप लेते हो तो तीन
क्वांटिटीज के साथ इसको डिराइव करना अ लिटिल बिट डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। ऐसे केसेस में बेटे करते क्या हैं जरा नोट कर लीजिएगा, कर आप चाहे खुद लेना बाद में कोई बात नहीं है। आप कहोगे यहाँ पे वी आपका बेटे रेट ऑफ फ्लो है, रेट ऑफ फ्लो कि किस रेट से आपका लिक्विड फ्लो हो रहा है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एंटरिंग और लीविंग द गिवन पर्टिकुलर ट्यूब पर सेकेंड, वॉल्यूम डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। आप लिखोगे वी रेट ऑफ फ्लो इज पी अपॉन एल पावर ए। अब ये पी अपॉन एल क्या चीज बन गई, दिस इज प्रेशर ग्रेडियंट, याद रखिएगा टर्म को, दिस इज कॉल्ड प्रेशर ग्रेडियंट। अगर आप इनको इंडिपेंडेंटली लेके चलोगे नहीं निकाल पाओगे आप इसको, मुश्किल हो जाएगा इसको वर्कआउट करना। सो हेयर इट इज प्रेशर ग्रेडियंट, देन आप लिखोगे वी इज प्रोपोर्शनल टू आर रेस टू पावर बी, सेकेंड पैरामीटर वी इज प्रोपोर्शनल टू ईटा रेस टू पावर सी बेटा, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। नमनप्रीत सिंह बेटा ईटा की डायमेंशंस, नमनप्रीत नमनप्रीत पुत्र ईटा की डायमेंशंस बेटा, आई थिंक ही इज नॉट गेटिंग मी, नमनप्रीत नहीं सुन पा रहा मुझे आई थिंक, देन लेट मी आस्क फ्रॉम अंजलि बेटा, ईटा यस सर, ईटा की डायमेंशंस अंजलि सर m1 l माइनस वन t2 t 2, चेक करिए दोबारा ईटा एक बार चेक करो बेटा ईटा, m1 l माइनस वन t माइनस वन, रमन जीत वेरी नाइस, अंजलि बेटा गेटिंग इट और नॉट, m1 l माइनस वन t माइनस वन, अंजलि यस सर, ओके नाइस। तो बेटे बेसिकली इस बात के लिए मैंने ये न्यूमेरिकल पिक किया है, अदरवाइज जरूरत नहीं थी, आप करते आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप इनको कंबाइन कर लीजिए, रेट ऑफ फ्लो इज इक्वल टू के पी अपॉन एल पावर ए आर पावर बी ईटा पावर सी। लेट अस मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर वन, रेट ऑफ फ्लो एम जीरो एल थ्री टी माइनस वन के प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर अपॉन लेंथ बेटा, प्रेशर बेटे निकालना पड़ेगा आपको, प्रेशर होता है फोर्स ओवर एरिया, एम वन एल वन टी माइनस टू अपॉन एल टू, इट विल बी एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू, उसको लेंथ से फिर डिवाइड करिए, एम वन एल माइनस टू टी माइनस टू, चेक करिएगा साथ साथ, एम वन एल माइनस टू टी माइनस टू, Am I right in writing so or not, beta? Yes, dear children. Pressure gradient. आप साथ साथ rough work में calculate करके बताइए. P upon L has it got the same dimensions or not? I have written as in the on the blackboard. M1 L minus two T minus two. Raman, Naman, Anjali. Beta, waiting for your answers. Pressure gradient, bete. ओके ये आपने पावर ए डाल दिया, देन आर दिस इज योर एल वन पावर बी, ईटा आप लोगों ने अभी अभी निकाला था बेटे, ईटा दैट वाज एम वन एल माइनस वन टी माइनस वन बेटे, इसकी पावर आप सी कर दोगे, इट विल बी एम वन एल माइनस वन टी माइनस वन पावर सी। राइट साइड को थोड़ा हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखेंगे, दिस इज के एम की पावर एक आ गई ए और साथ में आ गई सी, ए प्लस सी हो गई, एल की पावर माइनस टू ए ये आ गया, प्लस बी यहाँ पे आ गया, माइनस सी यहाँ पे आ गया, और डियर चिल्ड्रन टी की पावर
माइनस टू ए यहां पे आ गया एंड माइनस सी यहां पे आ गया, दिस इज देयर बेटा। अब आप सिंपली कर लोगे, आई डोंट फील कि आप नहीं कर पाओगे। अब होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस यूज कर लीजिए। जब आप होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस बच्चों यूज करोगे, तीन इक्वेशंस आपके पास जो बेसिक बन जाएंगी बेटा, ए प्लस सी, एम का इधर डायमेंशन जीरो है, देन माइनस टू ए, देन बेटा प्लस बी माइनस सी, दिस इज थ्री, और माइनस टू ए माइनस सी, दिस इज माइनस वन बेटे। इन तीन इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लोगे जब, आपका डेफिनेटली वन इक्वेशन में पुट करके ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। हाँ, इतना जरूर है, अगर आपको कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नहीं पता है, आप इसकी जगह पे के लिख सकते हो, आपको एंड में मिल जाएगा v इज इक्वल टू के पी अपॉन एल आर फोर ईटा। तो अगर तो आपको दिया हुआ होगा ऐसे क्वेश्चन, तो आप सीधा ही कह दोगे कि जी पाई बाई एट के बराबर है के आपका, अदरवाइज आप बेटे इसको ऐसे छोड़ सकते हैं। सो विद दिस बेटा, इसको टॉपिक को तो मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ। अब मैं 5 मिनट बेटे एरर्स पे लगाऊंगा, देन वी विल बी हैविंग सम अदर आइडिया बेटा। आइए सबसे पहले बेटे एरर्स के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करें कि एरर क्या होता है। एरर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में किस चीज को एरर कहते हैं? देखो बच्चों, हम लेबोरेटरी में भी मेजरमेंट्स करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, या आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स में आपके जो टूल्स पड़े रहते हैं, डी है, सिंपल स्केल है, आप इनके साथ लेंथ मेजर कर लेते हैं या एंगल मेजर कर लेते हैं बेटा, तो कई बार एंगल के मेजरमेंट में थोड़ा सा आपका मिसमैच आ जाता है। असल में मान लीजिए एंगल जो है वो 29 डिग्री है, जो डियर चिल्ड्रन आपने नोट किया वो मान लो 27 है, तो वो वैल्यूज मिली नहीं, बराबर नहीं आई ट्रू वैल्यू के बराबर। दो चीजों पे मैं यहाँ पे एम्फेसिस दे रहा हूँ, एक आपका एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू जो था आपको दिया गया, और दूसरा आपका मेजर्ड वैल्यू जो आपने खुद मेजरमेंट करके निकाला है। हम बात कर रहे हैं बच्चों एरर की। एरर हमारा क्या होता है? एरर को समझने के लिए दो वर्ड्स मैं रिपीटेडली बेटे बोल रहा हूं, एक है ट्रू वैल्यू, एक है बेटा मेजर्ड वैल्यू। आइए पहले इनके बारे में समझें, ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ये क्या चीजें हैं बेटे। ट्रू वैल्यू वो होती है जो आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की गिवन है, दी गई है। जैसे मान लो आपको दिया गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो है दैट इज 1.33, आपको पता भी है इतना होता है। आपने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, आपकी वैल्यू 1.33 नहीं आ रही, आपकी 1.30 आ रही है, 1.31 आ रही है या 1.32 आ रही है, तो आपकी वैल्यू इसके बराबर नहीं आ रही। जो आपने मेजरमेंट किया है दैट इज द मेजर्ड वैल्यू, जो आपको रिजल्ट दिया गया है दैट इज द ट्रू वैल्यू। तो फिर बेटे डियर चिल्ड्रन एरर हमारा क्या हुआ? एरर हम कह देते हैं कि आपका जो ट्रू वैल्यू है और जो कैलकुलेटेड या मेजर्ड वैल्यू जो है, इनके बीच में जो डिफरेंस है, जो मिसमैच है, दैट वी कॉल एज एरर। एंड बेटा डियर स्टूडेंट्स, इन ऑर्डर टू डिफाइन द एरर वी कैन से दैट बेटे आपका जो एरर है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू। यहां पे लिख रहा हूं डेफिनेशन, एरर मे बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू। बेटे ट्रू वैल्यू को कई बार एक्चुअल वैल्यू भी कह देते हैं, एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू या मेजर्ड वैल्यूज के बीच में जो डिफरेंस है बेटा, उस डिफरेंस को हम एरर कह देते हैं। शॉर्ट फॉर्म में मैं ऐसे लिख सकता हूं, एरर बच्चों जो है
this is equal to true value minus measured value beta, minus measured value. This you call as beta error. Beta error हमारे पास बेटा basically तीन तरह का होता है. आइए मैं थोड़ा आपको और गाइड कर दूं एरर के बारे में. एरर की कितनी टाइप्स हैं बेटे? डियर चिल्ड्रन, वी हैव विद एस थ्री टाइप्स ऑफ एरर्स बेटा. हमारे पास सिस्टमेटिक एरर्स हैं बेटा, रैंडम एरर्स हैं, देन बेटे ग्रॉस एरर्स हैं. वी हैव सिस्टमेटिक एरर्स, सेकेंडली we have random errors, third we have gross errors. इनको बेटे मैं वन बाई वन थोड़ा आपको और समझा देता हूं कि इनका मतलब क्या है एक्चुअल में, सिस्टमेटिक एरर क्या होता है और हम कैसे इसको डिस्कस कर सकते हैं, देन रैंडम एरर क्या है एंड ग्रॉस एरर क्या है. आओ बच्चों देखिए, लाइए इस केस में सिस्टमेटिक एरर. सिस्टमेटिक एरर बेटे जो होता है, जरा समझ लीजिएगा पहले, बाद में मैं आपको टाइप सारी बता देता हूँ इसकी. सिस्टमेटिक एरर की बेटे खास बात ये है कि ये एक सिस्टमेटिक वे में आपकी कैलकुलेशंस या आपके रिजल्ट में एंटर कर जाया करता है बेटा. तो वी कैन से दैट बेटे जो सिस्टमेटिक एरर है, ये सिस्टमेटिक एरर का आप जिस भी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में फिजिकल क्वांटिटी में बात कर रहे हो बेटा, इस सिस्टमेटिक एरर का एक डेफिनेट पैटर्न है. अगर आपने 10 ऑब्जर्वेशंस ली हैं किसी भी क्वांटिटी की, तो जैसा एरर आपका पहले ऑब्जर्वेशन में है, बाकी 10 ऑब्जर्वेशंस में भी ऐसा ही होगा. मेरे कहने का मीनिंग ये है कि हरेक ऑब्जर्वेशन में, हरेक कैलकुलेशन में एक खास तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से आपके जो मेजर्ड वैल्यूज हैं ये एक्चुअल वैल्यू से अलग आ रहे हैं, एक पर्टिकुलर अमाउंट से अलग आ रहे हैं. तो ये सिस्टमेटिक एरर का मतलब होता है कि दीज एरर्स एंटर इनटू योर ऑब्जर्वेशंस और रिजल्ट्स इन ए सिस्टमेटिक वे, और जितना एरर एक में है उतना ही बाकी ऑब्जर्वेशंस में भी आपका एरर उतना ही बेटा जो है वो होगा. इसका मतलब ये हुआ कि जो सिस्टमेटिक एरर्स हैं बेटा, क्योंकि ये सिस्टमेटिक वे में एंटर करती हैं आपकी ऑब्जर्वेशंस या कैलकुलेशंस में, आपको कहीं ना कहीं इनके कॉज का पता होता है. जैसे मान लो आपका मेजरमेंट करने वाला डिवाइस थोड़ा फॉल्टी है. ध्यान दीजिएगा जरा, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में एक स्केल पड़ा है, आप उस स्केल के साथ एक लाइन का लेंथ मेजर कर रहे थे, लेकिन जब आप लेंथ का मेजरमेंट करते हो, मान लो उसका स्केल का आगे से थोड़ा सा पार्ट ब्रोकन है, जीरो से पहले एक या दो रीडिंग्स वाला, तो जितनी भी आप रीडिंग्स लोगे उसमें वो उतना फर्क आएगा ही आएगा. इसका मतलब है कि आपको उसका कॉज पता था कि मेरा जी स्केल थोड़ा सा टूटा हुआ है, ब्रोकन है, तो जितना एक एरर में गलती है, एक रीडिंग में गलती है, उतनी ही बाकी रीडिंग्स में भी गलती आ जाएगी, एरर आ जाएगी. इट मींस कि आपको अपने एरर का रीजन पता है कि एरर क्यों आया है. अब आप क्या कर सकते हो, आप अपने उस एरर को फिर बेटे एलिमिनेट कर सकते हो. हम क्या करते हैं, हम नया स्केल ले लेते हैं, उसके साथ मेजरमेंट कर लेंगे, एवरीथिंग विल बी फाइन. तो मेरे एक एग्जाम्पल लेने का मतलब सिर्फ ये था कि आपको सिस्टमेटिक एरर्स जो हैं इनका कॉज, इनका रीजन पता होता है और आप इस रीजन को एलिमिनेट कर सकते हो और आप अपना जो सिस्टमेटिक एरर है इसको बेटा ठीक कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो बेटा. सो आइए इसके बारे में थोड़ा सा बेटे जान लें. और सिस्टमेटिक एरर्स आर द एरर्स, आर द एरर्स विच अकर इन ए सिस्टमेटिक वे इन अवर रिजल्ट्स बेटा. रिजल्ट्स आपके ऑब्जर्वेशंस के भी हो सकते हैं, कैलकुलेशंस के भी हो सकते हैं.
और इनका जो कॉज है बेटा, देयर कॉज इज नोन, आपको पता है कॉज, अगर कॉज पता है फिर तो हम इनको ठीक भी कर सकते हैं, एंड देयर फोर सिस्टमेटिक एरर्स कैन बी एलिमिनेटेड। एक बार बेटा आई थिंक 2015 या 16 में आपका जो मेडिकल एग्जाम होता है ना, एंट्रेंस एग्जाम, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, उन्होंने चार ऑप्शंस लिखी हुई थी कि कौन सी एरर्स को आप एलिमिनेट कर सकते हो, सिस्टमेटिक, रैंडम, ग्रॉस, एक उन्होंने कुछ और ऐसे लिख दिया था। सो ये इंपॉर्टेंस है थोरो स्टडी का, मैं फिर बार बार इसीलिए आपको कहता हूँ कि आप थोरोली पढ़ा करो पुत्र, तो ये आपकी सिस्टमेटिक एरर्स जो हैं इनको आप बेटे एलिमिनेट कर सकते हो। सिस्टमेटिक एरर्स कितनी टाइप की हो सकती हैं बेटा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दीज कैन बी इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। इंस्ट्रूमेंटल मतलब आपकी इंस्ट्रूमेंट में कोई फॉल्ट हो सकता है, डिजाइन में कोई फॉल्ट हो सकता है, सेकेंडली आपके पास इम्परफेक्ट टेक्निक अगर है मेजरमेंट करने का बेटा, इम्परफेक्शन इन द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, इम्परफेक्शन इन द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, क्या मीनिंग है बच्चों इसका? इम्परफेक्शन इन द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक का मतलब है जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे रीडिंग लेने के लिए, नो डाउट आपने अपनी तरफ से बेस्ट किया, लेकिन नोइंगली या अननोइंगली आपका तरीका गलत था मेजरमेंट करने का, फिर आपको पता चल गया कि मेरा तरीका गलत है, देन आपने उसको एलिमिनेट कर दिया, अपना तरीका ठीक कर लिया और आप इसको ठीक कर सकते हो बेटा। और बेटे इस केस में आप इस सिचुएशन में यहाँ पे टॉप पे लिख देता हूँ बेटे मैं, थर्ड हमारा जो है जो आपका सिस्टमेटिक एरर हो सकता है, इट मे बी पर्सनल एरर बेटा, आप सी है, इट मे बी पर्सनल एरर। पर्सनल एरर का मतलब है कि आप जब इसको लिखते हो फिजिकल क्वांटिटी को नोट कर रहे थे, जिस जगह पे टू आ रहा था आप नोइंगली अननोइंगली आप उसको टू को थ्री लिखते गए, आपको बाद में पता चला कि मैंने तो गलती कर दी है, देन आप उसको एलिमिनेट कर लेते हो। और फोर्थ टाइप का एक और हमारा सिस्टमेटिक एरर हो सकता है बेटा, दैट इज ड्यू टू द एक्सटर्नल कॉजेज बेटे, एक्सटर्नल कॉजेज बेटे कौन कौन से हैं? आप लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट करते थे, जब आपने एक्सपेरिमेंट किया उस दिन टेम्परेचर मान लो 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, लेकिन अगर आप आज एक्सपेरिमेंट करोगे तो आफ्टरनून टाइम का टेम्परेचर राउंड अबाउट 40 डिग्री है, आपकी रीडिंग ठीक नहीं आएगी, आपको लगेगा कि जी मेरा एक्सपेरिमेंट जो है वो ठीक रिजल्ट नहीं दे रहा है, लेकिन उसका कॉज क्या है? एक्सटर्नल रीजन है, टेम्परेचर बढ़ गया है, प्रेशर भी बेटे जो है वो चेंज हो गया होगा, इट मीन्स दैट कि एक्सटर्नल कॉजेज जितने भी हैं वो आपके रिजल्ट को अफेक्ट कर रहे हैं, और आप इस केस में इन कॉजेज को एलिमिनेट कर सकते हो। आप अपना रूम का टेम्परेचर मेंटेन कर लीजिए जितने टेम्परेचर पे आपने एक्सपेरिमेंट किया था, और प्रेशर मेंटेन कर लीजिए, आपका रिजल्ट ठीक आ जाएगा। सो प्यारे बच्चों एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा, सिस्टमेटिक एरर्स जो होती हैं ये एरर्स आपको एक सिस्टमेटिक वे में आपके रिजल्ट्स में एंटर कर जाती हैं, आपको इनका कॉज पता होता है, आप इनके कॉज को एलिमिनेट करके सिस्टमेटिक एरर्स को कंप्लीटली एलिमिनेट कर सकते हो। सिस्टमेटिक एरर्स आपके इंस्ट्रूमेंट के डिजाइन में कोई कमी है, कोई गलती है, कोई फॉल्ट है, उसकी वजह से हो सकती हैं, या आपका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने का टेक्निक खराब है, गलती कर रहे हो आप कहीं, उसकी वजह से हो सकती हैं, या आप लिखते लिखते थोड़ा आपका ध्यान उधर था, साथ में आपके पास चाय का कप था, आप दो की जगह तीन लिखते चले गए, गलती हो गई। और चौथी टाइप है एक्सटर्नल कॉजेज। एक्सटर्नल कॉजेज में आपकी एक्सटर्नल कंडीशंस हैं, एटमोस्फेरिक कंडीशंस, मे बी टेम्परेचर हो जाए, प्रेशर हो जाए, अगर ये वेरी कर जाएंगे तो आपका सारा रिजल्ट वेरी कर जाएगा। सो दीज आर योर बेटा
सिस्टमेटिक एरर्स बेटा। डियर चिल्ड्रन इसके बाद मैं रैंडम एरर्स की बेटे बात करूंगा। रैंडम एरर्स जो होती हैं बेटा, इनका कोई अता पता नहीं होता कि कहां से कैसे आ जाए। दे अकर रैंडमली इन अवर रिजल्ट्स बेटा, ये कोई सिस्टमेटिक वे में एंटर नहीं करती, इनका कॉज हमें पता ही नहीं होता और इसकी वजह से हम इनको एलिमिनेट भी नहीं कर पाते। तो जो रैंडम एरर्स हैं बेटा, दे अकर रैंडमली इन अवर रिजल्ट्स बेटा, और देयर कॉज इज नॉट नोन। अगर आपको कॉज नहीं पता, सो दीज कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, आप इनको एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, आपको इनका पता ही नहीं है कि क्यों आ रही हैं, तो एलिमिनेट आप कैसे करोगे? दैट विल नॉट बी बेटा पॉसिबल बेटे। और बेटे जो लास्ट टाइप ऑफ एरर्स हैं, ग्रॉस एरर्स, दीज आर बेसिकली ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ द पर्सन हु इज टेकिंग द रीडिंग्स और मेजरमेंट्स। सो ग्रॉस एरर्स आर ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ द पर्सन बेटा। तो इसको आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। केयरलेसनेस का मतलब क्या है? आप स्कूल में आए हुए हो, आप ओके बेटा, केयरलेसनेस का मीनिंग बेटा ये है कि आई होप इट विल बी क्लियर नाउ बेटा। जो ग्रॉस एरर्स हैं बेटा, ये पर्सन की केयरलेसनेस की वजह से होती हैं। केयरलेसनेस का मतलब ये है कि आप स्कूल में आए हुए हो, काम कर रहे हो लैब में, आपने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना स्टार्ट किया, आपका मन नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि अब आप क्लास में हो, टीचर वहां पे हैं, तो आप बस कर ही जा रहे हो, और उसकी वजह से बेटे क्या है कि आपका जो रीडिंग्स हैं, आप क्योंकि हाफ हार्टेडली काम कर रहे थे, आपका मन ही नहीं कर रहा था काम करने को, तो इसलिए बेटे फिर आपकी वहां पे एरर्स जो हैं, ये आपकी रिजल्ट्स में एरर्स एंटर कर जाया करती हैं। सो बेटे डियर स्टूडेंट्स, मैं रिपीट करूंगा एक बार फाइनली, रैंडम एरर्स इनका कोई भी बेटे पता नहीं होता कहां से आ जाती है, इनका रीजन हमें नहीं पता होता, देख कर रैंडमली ड्यू टू अननोन रीजंस बेटा। और अगर इनका हमें कॉज ही नहीं पता, तो हम इनको एलिमिनेट नहीं कर पाते। दैट्स व्हाट डू वी मीन बाय द रैंडम एरर्स। और डियर चिल्ड्रन, ग्रॉस एरर्स जो होती हैं, ग्रॉस एरर्स बेटे बेसिकली पर्सन की केयरलेसनेस की वजह से होती हैं बेटा। सो विद दिस बेटे ऑल आई एंड द मीटिंग ओवर हियर। थैंक यू ऑल बेटा, इसको सारे को एक